नमस्कार साथियों, एग्जामपुर परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलावर सिंह बरिहार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी स्टूडेंट्स को नर्मदे हर, जय महाकाल। तो फटाफट शानदार तरीके से सेकंड सेशन से जुड़ जाएंगे भाई और अपने सभी साथियों को इस बेहतरीन जानदार और शानदार सेशन का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए साथियों आगाज करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन का। चलिए लास्ट क्लास में जहां तक हमने क्वेश्चंस को कवर कर लिया था उसके आगे सर आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों फटाफट सेशन को क्या कर दीजिए, आप सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई। चलो भाई पहला प्रश्न तुम्हारी स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी से इसका लास्ट आंसर, इसका आंसर बताएंगे आप सभी लोग। लास्ट क्लास में हमने यहां तक कवर कर लिया था 35 तक, 36 से आज हमें क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। चलिए बताइए भाई, ये जो हमारी सीरीज चल रही है साथियों, ठीक है, तो आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फुर्ती के साथ भाई। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं फटाफट फटाफट, ठीक है। चलिए तो जितने भी प्यारे साथी हमसे यहां पर जुड़े हुए हैं फटाफट आंसर बताइए क्या हो जाएगा भाई। यहां पर आपसे क्या कहा गया है, यहां पर आपसे क्या कहा गया है भाई, ठीक है, चलिए चलिए तो यहां पर देखिए साथियों, रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कणों का उत्सर्जन किस तत्व से किया गया था, ये एक प्रश्न है साथियों। यहां पर आपको इसका आंसर बताना है कि भाई रदरफोर्ड द्वारा जो अल्फा तत्वों का जो क्या था साथियों, आपको पता होना चाहिए जो आपका प्रकीर्णन था या उत्सर्जन था वो किसके द्वारा किया गया था। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स वगैरह प्रॉपर देख रहा हूं, ठीक है, कमेंट सेट कर लू फटाफट फटाफट, फिर बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दीजिए भाई। चलिए हाँ बताइए भाई किसके द्वारा किया गया था भाई, सबसे पहले बताना है, यूरेनियम, ट्रिटियम, पोलोनियम या आपका प्लूटोनियम, बताइए। तो आप सभी को पता है कि भाई एक साइंटिस्ट थे आपके रदरफोर्ड, एक साइंटिस्ट आपके क्या थे साथियों, एक साइंटिस्ट थे आपके रदरफोर्ड, जिन्होंने आपका एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने 1911 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था सर, वो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया, एक गोल की क्या ली उन्होंने, एक शीट ली भाई, एक गोल की क्या ली उन्होंने, शीट ली, और उस गोल की शीट में उन्होंने याद रखिएगा अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कणों की क्या की साथियों, बौछार की, अल्फा कणों की बौछार की, लगभग कितने साथियों 12,000, लगभग 12,000 अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने क्या किया उस शीट पर साथियों भेजा, और 12,000 अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने साथियों शीट पर भेजा, और उस दौरान उन्होंने साथियों याद रखिएगा एक सफलता प्राप्त की, मतलब उन्होंने नाभिक या न्यूक्लियस की खोज कर दी। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने याद रखिएगा नाभिक की खोज की, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने नाभिक की खोज की, न्यूक्लियस, नाभिक की खोज की साथियों, उन्होंने आपके न्यूक्लियस की खोज की। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने भेजे तो किस एलिमेंट का या किस तत्व का उपयोग करके उन अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने जनरेट किया, तो नोट डाउन कीजिएगा उन अल्फा पार्टिकल्स का साथियों आपको पता होना चाहिए जो सोर्स था वो पोलोनियम था साथियों, वो था पोलोनियम, नोट डाउन कीजिएगा अल्फा पार्टिकल्स का जो सोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पोलोनियम हो जाएगा साथियों, पोलोनियम, जिसे आप क्या कहते हैं आपका PO4 पोलोनियम कहते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 84 होता है आपका, 84 होता है भाई, एटॉमिक नंबर कितना होता है 84 होता है, 84 होता है, इसका उपयोग करके उन्होंने क्या किया अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट किया। सर कैसे अल्फा पार्टिकल्स पोलोनियम से निकले, तो बाय नेचर याद रखिएगा पोलोनियम होता है रेडियो सक्रिय तत्व, पोलोनियम एक रेडियो सक्रिय क्या है आपका तत्व है, जिसे आप क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव, पोलोनियम एक आपका रेडियो एक्टिव क्या है आपका एलिमेंट है साथियों, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप सभी को पता है जब एक्साइट होते हैं तो अल्फा बीटा और गामा रेस क्या करते हैं आपस में, याद रखिएगा अल्फा बीटा और गामा रेस क्या करते हैं वो निकालते हैं, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पोलोनियम विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। यूरेनियम, ट्रिटियम और प्लूटोनियम आंसर नहीं होगा, नोट डाउन कीजिएगा साथियों। यूरेनियम की बात करूं तो साथियों यू फॉर यूरेनियम होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना होता है 92। ट्रिटियम की बात करूं साथियों तो ये क्या है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, नोट डाउन कीजिएगा ट्रिटियम बेटा हाइड्रोजन, ट्रिटियम हाइड्रोजन का क्या है साथियों समस्थानिक है, साथियों समस्थानिक है, आपको पता होना चाहिए आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है, जिसका साथियों याद रखिएगा एटॉमिक नंबर तो एक होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है एटॉमिक मास कितना होता है 3 होता है,
ये ट्रिटियम कहलाता है साथियों। सामान्य हाइड्रोजन क्या है सर? सामान्य हाइड्रोजन है हाइड्रोजन वन और वन, मतलब इसका मास भी एक हो और इसका क्रमांक भी एक हो, वो क्या कहलाता है? सामान्य हाइड्रोजन। और साथियों आपका जो रेडियो एक्टिव जो हाइड्रोजन है उसका साथियों मास थ्री हो जाता है, और इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? दो न्यूट्रॉन होते हैं इसमें, दो न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि याद रखना मास में से आप नंबर को घटाते हो तो न्यूट्रॉन निकलते हैं। तीन इसका द्रव्यमान है, एक इसका क्या है? क्रमांक है। तीन इसका मास है, एक इसका क्या है साथियों? नंबर है। तीन में से एक या दो न्यूट्रॉन कितने हैं? दो हैं। तो याद रखिएगा इसके अंदर न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई ये क्या है आपका, याद रखिएगा आपका क्या है, एक रेडियो एक्टिव क्या है आपका, याद रखिएगा समस्थानिक है किसका? हाइड्रोजन का। प्लूटोनियम याद रखिएगा बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 94। और याद रखना है आपको, पता होना चाहिए Pu4 क्या होता है आपका? प्लूटोनियम होता है भाई सब। ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका उपयोग भी एटॉमिक बॉम्ब के निर्माण में किया जाता है मेरे अजीज साथियों। आगे चलते हैं, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विच एसिड इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन? आपको पता होना चाहिए फूड के, याद रखिएगा आपका प्रिजर्वेशन में आपका किसका उपयोग किया जाएगा? खाद्य पदार्थों को जैसे सड़ने से बचाना है, उसे स्टोर करके रखना है जैसे, है ना, आप सभी जानते हैं। तो भाई सब किस एसिड का यूज करोगे? या कोई भी याद रखिएगा खाद्य पदार्थ है ना, उसे आपको क्या करना है? लंबे समय तक चलाना है। तो भाई सब किसका यूज करोगे? बेंजोइक एसिड, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, बताइए भाई। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मेरे प्यारे साथियों फटाफट आंसर बताएंगे। और डेली क्लास में आओ, मैं तुम्हें एक चीज अच्छे से समझा देना चाहता हूं भाई, कभी तो सीरियस हो जाओ अपने जीवन के लिए भाई। डेली क्लास में आओ, एक से एक जबरदस्त प्रश्न तुम्हारे लिए भाई साहब इस मेहनत से तैयार करते हैं कि भाई तुम आओगे और पढ़ोगे और रेगुलर भाई सब क्लास के साथ जुड़ोगे भाई, है ना। चलो, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में नोट डाउन कीजिएगा, जब आप खाद्य पदार्थ का संरक्षण करते हैं तो बेंजोइक एसिड का उपयोग करते हैं भाई, बेंजोइक एसिड का उपयोग करते हैं। इसका याद रखिएगा प्राकृतिक स्रोत, नेचुरली ये कहां पाया जाता है? घास एवं नेचुरली ये पाया जाएगा, आपको पता होना चाहिए, घास व पत्तों में, घास व पत्तों में पाया जाएगा। कौन सा साथियों? बेंजोइक एसिड, याद रखिएगा आप सभी लोग। एसिटिक एसिड की बात करूं बेटा, याद रखिएगा एसिटिक एसिड यह फलों के रसों में पाया जाएगा, यह फलों के रसों में पाया जाएगा। और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3COOH, एग्जाम में आता है बेटा CH3COOH, किसका फॉर्मूला है? एसिटिक एसिड का। सर एसिटिक एसिड याद रखना है, अगर 6 से 8% 6 से 8% एसिटिक एसिड को, 6 से 7% एसिटिक एसिड को अगर तुम क्या कहते हो, जल में घोल देते हो, जल में घोल देते हो साथियों, जल में घोल देते हो, जल में घोल देते हो, तो बनने वाला जो विलयन है वो आपका सिरका कहलाता है, विनेगर, विनेगर कहलाता है भाई। फॉर्मिक एसिड नोट डाउन कीजिएगा, ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा चींटी के डंक में। इसका फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल फॉर्मल सा होगा, बिल्कुल फॉर्मूला HCOOH, बिल्कुल फॉर्मल सा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स, इसे कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा, इसे कहते हैं अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। सर याद रखना है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, सबसे प्रबल अम्ल नहीं है, लेकिन फिर भी अम्लों का राजा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर, मतलब साथियों इसका उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग अभिकर्मक या रेजेंट के फॉर्म में किया जाता है, इसलिए याद रखना है प्रयोगशाला में बहुत ज्यादा उपयोग में लाए जाने के कारण अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड्स क्या कहलाएगा? H2SO4। अगर कोई अम्ल राज कह दे, अगर कोई अम्ल राज कह दे तो भाई मामला कुछ अलग हो जाएगा। इसे हम एक्वारेजिया कहते हैं, इसे हम एक्वारेजिया कहते हैं। तो कभी भी एक्वारेजिया, कभी भी एक्वारेजिया याद रखिएगा आप सभी लोग, अम्लों का राजा नहीं होगा, अम्लों का राजा होगा सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वारेजिया होगा अम्लराज, HCl प्लस HNO3, 3:1 में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? अम्लराज बनाएंगे भाई। आगे चलो, मास्टर्स ऑफ मास्टर किसे कहा जाता है? जबरदस्त प्रश्न बायोलॉजी से भाई, मास्टर्स ऑफ मास्टर्स किसे कहा जाता है फटाफट बताओ, मतलब मास्टर का भी मास्टर। तो सबसे पहले यह पता करो मास्टर कौन है और फिर उसका मास्टर पता करो। यहां पर कहा गया है मास्टर्स ऑफ मास्टर, मास्टर्स ऑफ मास्टर मतलब कोई बंदा मास्टर है और उसका भी मास्टर, मास्टर का भी मास्टर। तो समझो मेरी बात, आप सभी को पता है हमारे शरीर में मास्टर ग्लैंड कौन सी है,
हमारे शरीर में मास्टर ग्लैंड कौन सी है भाई साहब? मास्टर ग्रंथि कौन सी है? सर पीयूष ग्रंथि है। सर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे आप क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। सर ये पीयूष ग्रंथि है, ये मास्टर ग्लैंड है। ये सारे याद रखिएगा, सारे हॉर्मोन्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है सारे बॉडी के हॉर्मोन्स को। तो मास्टर ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। आपको पता होना चाहिए मास्टर ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। अब पीयूष ग्रंथि अगर मास्टर ग्रंथि है साथियों, तो याद रखिएगा साथियों, इस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला मास्टर ऑफ मास्टर होगा, मास्टर का भी मास्टर। नोट डाउन कीजिएगा, पीयूष ग्रंथि कौन कंट्रोल करता है? आपको पता होना चाहिए आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है समझो, देखो कुछ ऐसा हिसाब है। ये तुम्हारा मान लीजिए क्या है, हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस है साथियों, ये क्या है आपका हाइपोथैलेमस है, और उसके जस्ट नीचे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। इसके जस्ट नीचे क्या पाई जाती है आपकी, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। पीयूष से निकलने वाला हर हार्मोन हाइपोथैलेमस के थ्रू बॉडी में पहुंचता है। अगर हाइपोथैलेमस हार्मोन को जाने ना दे तो याद रखिएगा पीयूष के हार्मोन बॉडी में नहीं जा पाएंगे। तो अल्टीमेटली पीयूष किस पे डिपेंड है, हाइपोथैलेमस पे। ये पीयूष है, हाइपोथैलेमस है। पीयूष से हार्मोन निकलते हैं, हाइपोथैलेमस उसे बॉडी में भेजता है। हाइपोथैलेमस हट गया, इसने मना कर दिया, तो पीयूष के हार्मोन बॉडी में नहीं जा पाएंगे। तो ये मास्टर है, और इसका भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस है। ऐसे समझना है तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में बताऊं, याद रखिएगा ये हमारे बॉडी में क्या करता है, आपको पता होना चाहिए। जो डर होता है, जो भय होता है, जो प्यार होता है, जो क्रोध होता है साथियों, जो ईर्ष्या होती है दूसरों का, सिलेक्शन हो जाने पर हम खुद मेहनत नहीं करते, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट होती है। तो ब्रेन में पाया जाता है मास्टर्स ऑफ मास्टर, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, नोट डाउन कीजिएगा, उसे कहते हैं साथियों आपका क्या, उसे कहते हैं आपका हाइपोथैलेमस। बताइए यहां तक सारा मामला क्लियर है तो बताइए भाई फटाफट फटाफट। चलिए चलिए भाई साहब, ठीक है भाई साहब, क्या हो गया भाई विराट, ठीक है आपस में भाई सब झगड़ा नहीं है ना। चलो आगे चलें भाई, आगे चलते हैं। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, व्हाट टाइप ऑफ शुगर इज टेबल शुगर। जो टेबल शुगर होती है साथियों, जो घर में मतलब आप लोग चाय वगैरह बनाते हैं, उसे कहते हैं टेबल शुगर। जैसे सर टेबल, अगर मैं टेबल सॉल्ट की बात करूं, अगर मैं टेबल सॉल्ट की बात करूं, टेबल सॉल्ट क्या है भाई, टेबल सॉल्ट क्या है, नोट डाउन कीजिएगा आपका टेबल सॉल्ट सर NaCl है, जो आपका नमक है, जो आपका नमक है वो क्या कहलाता है, टेबल सॉल्ट कहलाता है भाई, टेबल सॉल्ट कहलाता है। वैसे टेबल शुगर क्या है आपका, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या ग्लैक्टोज है, बताइए सर टेबल शुगर क्या है। टेबल शुगर जो घर में आप शुगर यूज करते हैं, है ना, तो नोट डाउन कीजिएगा साथियों, टेबल शुगर के नाम से आपका सुक्रोज जाना जाता है, सुक्रोज जाना जाता है भाई सब, सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला क्या है सुक्रोज का। सर सुक्रोज का फॉर्मूला मैं आपको रटाता नहीं हूं, सुक्रोज का फॉर्मूला मैं तुम्हें बनाना सिखा देता हूं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा साथियों, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने पर जब ये दोनों अपने H2O को अलग कर देते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। मतलब जब क्या है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्रिया करते हैं और जल के अणु को बाहर निकालते हैं तो सुक्रोज बनता है। कैसे सर, ये ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस, ये फ्रक्टोज है, क्या है भाई फ्रक्टोज का फॉर्मूला, सेम ही फॉर्मूला है C6H12O6। ये दोनों ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके इसने उन्होंने -H2O किया भाई साहब, -H2O किया इन्होंने, समझ गया मेरी बात ना, -H2O किया। तो यहां पर क्या है आपको, क्या बचा भाई सब, कार्बन अलग हुआ क्या, नहीं, तो कार्बन अभी भी कितने हैं, 12 हैं, 6 यहां 6 यहां, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 12 24, दो निकल गए, कितने बचे भाई 22। ऑक्सीजन 6 2 12, कितना निकल गया, एक बचा, कितना 11। ये क्या है C12H22O11, ये क्या है मेरे बेटे, सर ये आपका सुक्रोज का फॉर्मूला है, काफी याद रखिएगा। ये जो सुक्रोज होता है, ये जो सुक्रोज बना हुआ है, नोट डाउन कीजिएगा, ये क्या है आपका सबसे मीठी क्या है आपको पता होना चाहिए, कृत्रिम शर्करा है,
सबसे मीठी आपकी कृत्रिम शर्करा है साथियों, आपको पता होना चाहिए। ये स्वीटेस्ट क्या है, आर्टिफिशियल शुगर है भाई, सब काफी ज्यादा मीठी होती है। और याद रखिएगा साथियों, अगर जीवन में आपको मिठास चाहिए है, अगर आपको जीवन में मिठास चाहिए है भाई, जीवन आपको ऐसा लगे कि आपका जीवन भाई साहब याद रखिएगा सुक्रोज के जैसा मीठा हो, कोई दिक्कत ना हो लाइफ में, तो आज ही जाइए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए भाई साहब। नहीं तो याद रखिएगा भाई साहब, मिठास नहीं आएगी जीवन में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं साथियों, और याद रखिएगा उस पढ़ाई में मिठास चाहिए, मतलब मजा आए पढ़ाई में, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन की मिठास चाहिए, तो आज ही जाइए साथियों और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए। अगर आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप सभी प्यारे साथियों को यहां पर क्या क्या मिलता है देखिए। आप लोगों को याद रखिएगा लाइव पेड कोर्सेस यहां पर देखने को मिल जाएंगे, फ्री सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्विजेस देखने को मिल जाएंगी। जॉब अलर्ट भाई साहब, इतना परेशान होते हो कई बच्चे भाई साहब, इधर उधर ढूंढते रहते हैं कब एडमिट कार्ड आया भाई साहब, पता ही नहीं है मुझे, है ना भाई साहब, इधर उधर पता करते हैं, अलग अलग साइट्स में जाते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं होता है भाई, क्या ही टेंशन है। जाओ भाई एक बार में डाउनलोड करो ऑफिशियल ऐप, क्या दिक्कत है, एडमिट कार्ड, जॉब अलर्ट, कौन सी वैकेंसी आई है, पता चले ऐसा होता है कई बार कि भाई वैकेंसी निकल गई, उसके बाद पता चल रहा है कि अरे कल तो लास्ट डेट थी मैं तो भर ही नहीं पाया भाई, तो जॉब अलर्ट यहां पर दिया जा रहा है भाई साहब, सामने से वो बताएगा कि भैया ये फॉर्म आया, ये एलिजिबिलिटी है, इतनी फी है, सारा मामला है ना। एडमिट कार्ड कोई आया है एग्जाम का भाई तो आपको पता चल जाएगा भाई साहब। प्रीवियस ईयर के प्रश्न, कितनी किताबें खरीदोगे भाई, कितनी किताबें खरीदोगे, आपको मल्टीपल्स एग्जाम देने हैं, रीड के ग्रेड थर्ड भी देना है, लेवल टू भी देना है, मतलब समझ रहे हो ना, हमें सीईटी भी देना है, बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं। अब एक एक पुस्तक लेने जाओगे तो भाई 500 रुपए से नीचे की कोई बुक नहीं आएगी आपकी, बात समझ में आ रही है ना, आएगी क्या। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, नई किताब की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। ये लो भाई यहां पर ऑल एग्जाम प्रीवियस ईयर पीडीएफ विद सॉल्यूशन भाई साहब, अगर आंसर बस नहीं उसका आपको फुल डिटेल वहां पर बताया जाएगा। इसके साथ साथ याद रखिए आप सभी लोग की ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट भाई साहब, इसे खेलकर स्कॉलरशिप जीतने का मौका भी आप पा सकते हो। FLTs वगैरह, टॉपिक वाइज फ्री लाइव क्लासेस, फ्री एग्जाम वाइज पीडीएफ, एग्जाम मतलब कि कौन सा आप एग्जाम दे रहे हो उस एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस सेट, कि अगर मान लीजिए कोई आप एग्जाम दे रहे हैं ठीक है, रीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो रीट के एग्जाम में जैसे प्रश्न आते हैं, जो पैटर्न होता है, जितने मार्क्स का वो पेपर होता है, सेम वो पेपर आपको यहां मिल जाएगा। मॉक टेस्ट लगाइए जाकर भाई, है ना, अनलिमिटेड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भाई साहब, डेली वीकली और मंथली करंट अफेयर भाई, चिंता ही खत्म। दिन में पढ़ना है दिन में पढ़ो, महीने वाला पढ़ना है महीने वाले में पढ़ो, या आप सभी लोग क्या कर सकते हो मंथली और वीकली और डेली भाई साहब, तीनों ही मामले में करंट अफेयर है। तो भाई आज ही जाइए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए साथियों, और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए मेरे प्यारे साथियों। चलिए तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, यहां पर देखिए भाई हमारा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए, लो भाई ये हमारा क्वेश्चन आ गया यहां पर इस तरीके से, लो भाई तो यहां पर कहा गया है आपका ये क्या है आपकी, याद रखिएगा सुक्रोज है मीठी शर्करा, बार बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, अमोनियम क्लोराइड के जली विलयन की प्रकृति कैसी होती है जरा बताइए, व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का जली विलयन, सर अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है बेटा, अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है, अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं समझिएगा, अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ये होता है अमोनिया का फॉर्मूला NH3। अब वहां पर अमोनियम लिखा हुआ है, कुछ मत करो याद रखिएगा, NH4 और प्लस लगा दो, ये अमोनियम है, दोनों में अंतर समझ में आया, ये अमोनियम है, कभी भी याद रखिएगा अमोनिया और अमोनियम, मैं आप लोगों को अंतर में बता रहा हूं ठीक है। तो अमोनियम और क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड है मतलब NH4Cl, क्लोराइड तो तुम्हें पता है ना कि भाई सीएल है, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, इसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाया, जल में से घोल दिया, इसका जो याद रखिएगा जो आप कह सकते हो कि जो आपका विलयन होगा वो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, कैसा होगा, एसिडिक होगा साथियों, आपको पता होना चाहिए, कैसा होगा साथियों आपका, आप कह सकते हैं कि सर आपका, आप कह सकते हैं वो जली विलयन आपका एसिडिक होगा, सर एसिडिक क्यों होगा, एक काम करो रिएक्शन करके दिखाता हूं, सर ये आपका NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है ठीक है, इसे हमने जल में घोला, जल का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा भाई H2O, है ना, नहीं पता तो भाई एक बार मुंह पे जल मारो, आंखें खुलेंगी तब कहो याद है H2O, NH4Cl और H2O, अब एक काम करो रिएक्शन कराओ भाई, रिएक्शन कराओ, कैसे रिएक्शन होगा, क्या यहां पर सर HCl बन सकता है, डेफिनेटली बन जाएगा, ये लो बेटा एक HCl बन गया,
ठीक है, ये सीएल पूरा उठ के यहां चला गया, इसमें से एक हाइड्रोजन अभी भी यहां बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां पर जा चुका है, अब क्या बचेगा, एनएच फोर ओएच बचेगा, एनएच फोर ओएच बनेगा, और क्या बन रहा है साथियों, एचसीएल बन रहा है, और क्या बन रहा है साथियों, आपका एचसीएल बन रहा है, तो ये हल्का क्या होगा, अम्लीय होगा, ये क्या होगा बेटा, हल्का अम्लीय होगा, नोट डाउन कीजिएगा, ये हल्का क्या होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि याद रखिएगा यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी तो पाया जा रहा है ना, यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जा रहा है, इस वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड एचसीएल के प्रभाव को कम कर देगा, तो ये हल्का अम्लीय होगा, समझ गए ना, ठीक है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, चलो आगे चलते हैं। नीला थोथा किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड नीला थोथा, या जिसे आप कहते हैं ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा किसे कहा जाता है मेरे लाल, जरा बताओ, ब्लू विट्रियोल किसे कहा जाएगा, नीला थोथा, ऑप्शंस हैं कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, या सोडियम थायोसल्फेट, नीला थोथा है ना, नीला थोथा कहा जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा, कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को, CuSO4 को बेटा, कॉपर सल्फेट को कहा जाएगा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, CuSO4, और इसमें H2O के पांच क्या होंगे, क्रिस्टल जल के मॉलिक्यूल होंगे, क्रिस्टलीय जल के मॉलिक्यूल कितने होंगे आपके, पांच होंगे, तो CuSO4.5H2O, ये क्या है साथियों, सर ये हमारा नीला थोथा है, सर नीला थोथा है, आपको पता होना चाहिए, कॉपर सल्फेट आपका, कॉपर सल्फेट, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा मैं कैल्शियम सल्फेट की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, ये अलग चीज है, CaSO4.2H2O, ये बहुत अलग चीज है, ये जिप्सम है बेटा, ये जिप्सम है ना, ये क्या है, जिप्सम, ये जिप्सम है मेरे साथी, ये जिप्सम है, ये कैल्शियम सल्फेट है, वो कॉपर सल्फेट है, नोट डाउन करना, ये कॉपर है, ये कैल्शियम है ना। अब देखो ये तो नीला थोथा हो गया, दो प्रश्न और आते हैं बेटा, हरा थोथा, ग्रीन विट्रियोल से एक सवाल आ जाता है, हरा थोथा एक सवाल आता है, आपको पता होना चाहिए, हरा थोथा तो हो गया आपका ग्रीन विट्रियोल, इसके साथ साथ एक सवाल आता है आपका सफेद थोथा, व्हाइट विट्रियोल, एक क्या होता है आपका, ग्रीन विट्रियोल होता है, हरा थोथा, व्हाइट विट्रियोल होता है आपका, याद रखिएगा, सफेद थोथा, थोथा आंसर बताइए, हरे थोथे की बात करूं, FeSO4 होता है, Fe मतलब आयरन, SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट, SO4 का मतलब होता है सल्फेट, तो ये आयरन हो गया, SO4 मतलब सल्फेट हो गया, तो नोट डाउन कीजिएगा आप सभी लोग, आयरन सल्फेट मतलब हरा थोथा, सफेद थोथा आप कहते हैं, कहते हैं जिसे व्हाइट विट्रियोल, ये होगा जिंक कार्बोनेट, नहीं सॉरी जिंक सल्फेट, माफ करिएगा, कार्बोनेट नहीं, जिंक कार्बोनेट तो कैलेमाइन का सॉल्यूशन होगा, जिंक सल्फेट होगा ये, ये जिंक सल्फेट होगा है ना, और व्हाइट विट्रियोल याद रखिएगा आप सभी लोग, सफेद थोथा जो होगा याद रखिएगा वो जिंक सल्फेट होगा है ना। अगर मैं जिंक कार्बोनेट की बात करूं, ZnCO3, ये कैलेमाइन है याद रखिएगा, ये कैलेमाइन का विलयन है बेटा, कैलेमाइन का विलयन है, जो कि कहां लगाया जाता है, चींटी काटने पर, चींटनी काटने के बाद, चींटी काटने के बाद लगाया जाता है साथियों, क्योंकि चींटी के अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, और उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैलेमाइन का सॉल्यूशन लगाया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा, हमने कॉपर सल्फेट नीला थोथा भी सीखा, हमने हरा थोथा भी, जिंक सल्फेट मतलब याद रखना सफेद थोथा भी, साथ साथ मैंने कैलेमाइन का सॉल्यूशन भी तुम्हें बताया, साथ साथ मैंने तुम्हें जिप्सम भी बताया, भाई साहब इतना 360 डिग्री में हमने एनालिसिस किया इस क्वेश्चन को, कई सारी चीजें हमारे सामने आ गई, भाई बोलो मजा आया, अभी भी नहीं आया होगा, अभी भी कभी निकाल ही लोगे भाई, कभी निकाल ही लोगे भाई है ना। चलिए बहुत अच्छा भाई, मोनी, अंजेश, कृष्णा, सिमरन, प्रियांशी, हर्षिता, बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत शानदार आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, इसी तरीके से लगातार आप लोग आंसर्स देते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के आंसर्स आते हैं। देखिए कोशिश करिए आंसर देने की, हो सकता है गलती हो तो अपने आपसी लोगों के बीच में गलती होगी ना, मेरे सामने गलती होगी ना, एग्जाम में तो नहीं होगी, और एक बार मान लो यहां गलत हो गया और फिर तुम मैंने उसे करेक्ट कराया तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, और खाली देखते रहोगे ऐसे बिल्कुल कि अब होगा ये होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, लगातार भाई कमेंट करिए, आंसर दीजिए, फालतू बातें नहीं, कमेंट करिए सर इसका आंसर ये होगा है ना, हो सकता है गलत जाए भाई सब, 10 में से 8 सही 2 गलत जाए, 2 गलत जाएंगे मैं सुधरवाऊंगा, वो 2 भी सही हो जाएंगे,
आंसर नहीं दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कहां गलती हो रही है कहां नहीं हो रही है, इसलिए आंसर दीजिए भाई। चलिए इसका आंसर दीजिए, सबसे अधिक वायु प्रदूषक गैस कौन सी है, इसका उत्तर दीजिए भाई, सबसे अधिक वायु प्रदूषक गैस कौन सी है, फटाफट बताओ। बहुत सही भी अशोक जी का आंसर आता हुआ सीओ लगा दीजिए सर, बिल्कुल बेटा सीओ लगा देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ मतलब क्या हो जाएगा आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका, सबसे विषैली गैस होगी। सर सबसे विषैली गैस का दर्जा कार्बन मोनोऑक्साइड को क्यों दिया गया, देखो जो गैस मनुष्यों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हो वो सबसे ज्यादा विषैली कहलाएगी। हानिकारक किसके लिए, मनुष्यों के लिए, ह्यूमन बींग के लिए, ह्यूमन बींग के लिए जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है वो सबसे हानिकारक है भाई। बाकी गैस के कंपैरिजन में सीओ जो होता है वो ज्यादा हानिकारक होता है, उसका रीजन समझो, जैसे सीओ टू है इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, लोगों को नुकसान होगा लेकिन डायरेक्ट नुकसान नहीं होगा। सीएच फोर ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, एसओ टू इससे एसिड रेन होगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बढ़ गई ना तो क्या होगा समझो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मान लो नेचर में है, तुमने सांस लिया ऑक्सीजन ले रहे हो भाई, तुम सोच रहे हो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में सीओ ज्यादा हो गई, ये अंदर आएगी तुम्हारे और फेफड़े में पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी बेटा, तुम्हारे फेफड़े में पहुंचेगी ये कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हारे लंग्स में पहुंचेगी ये कार्बन मोनोऑक्साइड, पहुंची लंग्स में, अब लंग्स में पहुंचने के बाद याद रखिएगा तुम्हारे लंग्स में पहुंचने के बाद ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तुम्हारे लंग में ब्लड आता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, आपने सांस ली, फेफड़े में सीओ हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लड भी आया, जैसे ही हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड का आमना सामना हुआ तुरंत सीओ ने एचबी के साथ रिएक्शन किया और एचबीसीओ बनाया जिसे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के नाम से हम जानते हैं, जिसे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और अगर भाई साहब हीमोग्लोबिन, अगर साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड ने हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया तो ऑक्सीजन की छुट्टी हो जाएगी भाई। अब बेटा ये हीमोग्लोबिन भाई साहब ले जाता ऑक्सीजन को है, ले जाना इसे ऑक्सीजन को था, इसने बॉन्ड बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन का प्रवेश तो भाई साहब रुक जाएगा ना, कि क्योंकि भाई आपने सांस ली फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचाया लेकिन बॉडी में तो हीमोग्लोबिन पहुंचा रहा है, अब हीमोग्लोबिन एक ही है उसके साथ या तो सीओ जुड़ सकता है या तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ सकता है, ऑक्सीजन जुड़ सकता है, सीओ भाई सब ज्यादा तेजी के साथ जुड़ता है, है ना, तो भाई जब सीओ जुड़ जाएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ऑक्सीजन रुक जाएगा, अब ऑक्सीजन नहीं जाएगा बॉडी में तो भाई याद रखिएगा मृत्यु हो जाएगी भाई सब, मृत्यु निश्चित होगी आपकी। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्यों है, क्योंकि याद रखिएगा 5 से 10 मिनट में मौत, समझ रहे हो मेरी बात ना, इतना विषैला भाई, इससे ग्रीन हाउस गैस होगा, इससे भी ग्रीन हाउस गैस होगा, इससे भी एसिड रेन होगी, लेकिन मौत तो नहीं होगी ना, दुष्प्रभाव हो सकते हैं, कुछ आपको एलर्जी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए लेकिन मौत तो नहीं होगी ना, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा विषैली है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीओ हो जाएगा भाई, सीओ हो जाएगा, ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग नोट डाउन करो भाई, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, SO2 एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है, अम्लीय वर्षा, ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। और सुनो मेरी बात, मैं आप लोगों के साथ एक जूम सेशन रखने वाला हूं भाई सैटरडे को, सोच रहा हूं भाई सैटरडे को मैं जूम सेशन रखने वाला हूं हमारे याद रखिएगा यूट्यूब के क्लास के बच्चों के साथ, है ना, यूट्यूब के क्लास के बच्चों के साथ। देखिए क्या होता है, आपसे इंटरेक्शन हो नहीं पाता मेरा, इंटरेक्शन मतलब जितना कमेंट में बात हुई तो हुई, अब एक जूम सेशन रख के हम क्या करते हैं, आप लोग मुझसे बात करिएगा ऐसा मतलब कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, भाई आपके हिसाब से, आपकी क्लास है, आपका परिवार है, आपके हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो जूम सेशन के साथ मेरे साथ जुड़िए, आप बताइए कि भाई साहब आपको वो बता दूंगा कि कैसे कैसे जूम सेशन के साथ जुड़ना है, है ना। और ऐसा मैं सोच रहा हूं कि हर हफ्ते हम करें, पूरे हफ्ते मैं पढ़ाऊं, है ना, सैटरडे को भी पढ़ाऊं और पढ़ाने के बाद साथियों एक जूम सेशन रखा जाए ताकि आप हफ्ते भर की क्लास का मुझे क्या दे, एक रिपोर्ट दे कि सर हाँ ये सारी चीजें बढ़िया थी और कुछ सुधार, मतलब आप लोग बताएं, क्योंकि आपका परिवार है, आपको पढ़ना है, मुझे आपको प्रायोरिटी देना है, आपके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो भाई जूम सेशन के साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा जब भी मैं ऑर्गेनाइज कराऊंगा। यूट्यूब के बच्चों के लिए पहली बार ये फैसिलिटी है, मेरे मन में आया कि भाई आप मेरे छोटे भाई बहन है या मेरे समकक्ष है, जो भी है, कुछ लोग मुझसे बड़े भी हैं,
ठीक है, आप सभी लोग जो हैं, सभी की भाई साहब मतलब सफलता की मैं कामना भी करता हूं। तो लगातार मैं चाहता हूं कि आप भाई साहब कांटेक्ट में रहे मेरे, तो एक बार जूम सेशन में आप जुड़िएगा, मुझे बताइएगा कि क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, कैसे आपको चीजें चाहिए, प्रॉपर उसी वे में सारी चीजें होंगी भाई। पूरे हफ्ते भर की क्लास, सैटरडे एक जूम सेशन, है ना। तो साथियों मैं यही चाहूंगा कि आप उस जूम सेशन का हिस्सा बने और साथियों मेरे साथ जुड़कर आप अपनी जो भी समस्या है वो मुझ तक पहुंचाएं, है ना। चलिए भाई, तो भाई ये सारी चीजें आप जरूर करिएगा, है ना, ठीक है। चलिए चलिए, बिल्कुल भाई, हर्षिता जी कह रही हम तो छोटे हैं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। वेल शार्क आदि किस प्रकार के जीव है? वेल शार्क इट इज आ टाइप ऑफ क्रिएटर्स और ऑर्गेनिजम्स, जरा बताइए भाई। बेटा सिमरन जी मैं आपको लिंक बता दूंगा, लिंक कहां मिलेगा वो आपको मैं बता दूंगा। चलो बताओ वेल शार्क आप भाई ये सब किस तरीके के जीव हैं? अमीनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, से यू करिए भाई, या आपके यूरिको क्या है साथियों, आपके टेलिक है, है ना, इसे क्या करिए आप यूरिको, ठीक है। बताइए भाई किस टाइप के वेल शार्क आदि, देखो सर ये क्या है अमीनोटेलिक यूरिकोटेलिक आपका यूरिकोटेलिक यूरियोटेलिक क्या है, समझो आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि ऐसे जीव जो याद रखिएगा हम अपने शरीर से अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, याद रखिएगा क्या कहलाते हैं अमीनोटेलिक कहलाते हैं। बात समझ में आ रही ना, ठीक है बिल्कुल भाई, टेंशन मत लो भाई अशोक जी, सब सही होगा भाई। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक याद रखिएगा, यूरियो पूछा गया है, तो ऐसे जीव जो अपने शरीर के बाहर यूरिया का क्या करते हैं उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीजन ऑफ यूरिया, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, जिन जीवों में वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट पदार्थ अमीनो अम्ल होते हैं उनके शरीर में पाचन श्वसन इन सब के बाद जो वेस्ट बचता है वो अमीनो अम्ल बचता है और उससे बाहर निकाल देते हैं, वो अमीनोटेलिक कहलाते हैं। जो जीव पूरा मेटाबॉलिज्म करने के बाद उपापचय करने के बाद वेस्ट मटेरियल के रूप में यूरिया को निकालते हैं, जैसे हम इस कैटेगरी में आते हैं, मैं तुम्हें साफ तौर पर बता दूं मानव, अरे भाई तुम क्या करते हो मूत्र के द्वारा तुम क्या निकालते हो, अरे भाई यूरिन में क्या होता है तुम्हारा सबसे ज्यादा 2.7% क्या होता है आपका यूरिया होता है, है ना। हाँ वैसे 95% तो जल होता है, है ना, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, क्योंकि जल वेस्ट मटेरियल नहीं है, जल तो भाई साहब उसे निकलवाने में मदद कर रहा है, वेस्ट मटेरियल में 2.7% हम यूरिया निकालते हैं, तो हम वी आर दी यूरियोटेलिक्स, यूरिकोटेलिक, यूरिको टर्म बदल गया बेटा, यहां यूरियो था यहां यूरिको है। तो ऐसे जीव जो याद रखिएगा यूरिक अम्ल, याद रखिएगा ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का क्या करते हैं उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं साथियों, वो आपके यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। वेल शार्क आदि याद रखिएगा इन तीनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सर वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्या आप बिना बताए चले जाएंगे आगे? नहीं, वेल शार्क ये सब आते हैं साथियों। एक और टर्म तुम्हें याद रखना है, वो कैटेगरी है आपका अमोनोटेलिक, भाई गलती मत करना, ये अमोनो लिखा है मैंने, अमोनो अमोनो, ये अमीनो, देखो ये अमीनो है बेटा, ये अमीनो है, दोनों में अंतर समझ रहे हो, ये अमोनो है ये अमीनो है, अमीनो मतलब अमीनो हम निकालना, अमोनो मतलब अमोनिया को निकालने वाले। वेल शार्क के बॉडी में मेटाबॉलिज्म होने के बाद जितना भी उपापचय होता है उस उपापचय के बाद में वेस्ट मटेरियल अमोनिया होता है और अमोनिया को डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। हालांकि हमारे शरीर में भी वेस्ट मटेरियल अमोनिया है, लेकिन चूंकि अमोनिया को हम नहीं निकाल सकते बेटा, अमोनिया को निकालने के लिए चाहिए ज्यादा पानी, अगर अमोनिया तुम्हारी किडनी में पहुंच गया किडनियां खराब कर देगा,
इतना ज्यादा बॉडी में तुम्हारे पानी नहीं है कि अमोनिया को निकाल सको, इसीलिए हमारा लिवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। एक तुमने पढ़ा होगा सेगमेंट की नहीं, हमारा लिवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। क्यों? क्योंकि हमारा किडनी अमोनिया को डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, तो उसे यूरिया में बदलना पड़ता है। लेकिन व्हेल शार्क पानी के अंदर है, पानी की कमी नहीं, अमोनिया को डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे चलते हैं। किस रोग को थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहते हैं, जरा बताइए, किस आप कह सकते हैं रोग को थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहते हैं? सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, जरा बताइए, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है भाई सब, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। सुसाइड ऑफ आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड याद रखिएगा यह आपका शरीर है, ठीक है, इस शरीर में यहां पर एक तितली के आकार की क्या पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है, एक तितली के आकार की ग्रंथि, तितली के आकार की ग्रंथि पाई जाती है। इस तितली के आकार की आप ग्रंथि को क्या कहते हो साथियों, इस तितली के आकार की ग्रंथि को आप कहते हैं तितली के आकार की ग्रंथि को आप थायराइड ग्लैंड कहते हैं। बॉडी में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है साथियों याद रखिएगा, जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम, जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम इस थायराइड ग्लैंड को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, इस थायराइड ग्लैंड को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उस रोग को कहते हैं हाशिमोटो डिजीज। कभी घेंगा मत लगाना, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो किसे खत्म करने लगता है, आपके याद रखना है तितली के आकार की ग्रंथि को, उसे हाशिमोटो रोग कहते हैं, और याद रखना है ये उसकी आत्महत्या कहलाता है। पहली चीज, अगर इसका आकार बढ़ जाए, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाए, तो उसे गॉइटर या घेंगा कहते हैं, थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि, थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, में वृद्धि को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, घेंगा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब थायराइड ग्लैंड में गांठे पड़ जाएं, गिल्ठिया पड़ जाएं, उसे क्या कहते हैं, जब थायराइड में गिल्ठिया पड़ जाएं साथी, उसे कहते हैं प्लूमर रोग, उसे भैया प्लूमर रोग कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलो, कॉकरोच, यहां पर पहले कॉकरोच लिख लो भाई, कॉकरोच, कॉकरोच के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, कितने आप कह सकते हैं कक्ष पाए जाते हैं भाई, कक्ष कितने पाए जाते हैं कॉकरोच के हृदय में भाई, कॉकरोच है ना, नोट डाउन कीजिएगा बेटा, कॉकरोच की अगर मैं बात करूं तो उसके हृदय में 13 कक्ष होते हैं, कितने होते हैं बेटा 13। एक क्वेश्चन आता है मगरमच्छ क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने चैंबर्स होते हैं, वैसे अगर आपको पता हो मगरमच्छ एक सरीसृप है, मगरमच्छ एक रेप्टाइल है बेटा, मगरमच्छ एक सरीसृप है, एक रेप्टाइल्स है, और जनरली जो रेप्टाइल्स होते हैं सरीसृप, उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, लेकिन मगरमच्छ अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैंबर होते हैं भाई, 4 कक्ष, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, है ना। चलिए तो क्लियर है यहां तक ना, और मनुष्यों में भाई सब 4 होते हैं आपको पता है, तो मगरमच्छ और मनुष्य दोनों में 4-4 होते हैं भाई, दोनों में 4-4 होते हैं, इसीलिए मगरमच्छ को भाई साहब याद रखिएगा आपका अपवाद में रखा गया है कि भाई साहब वो रेप्टाइल होकर भी 4 चैंबर वाला क्या होता है, उसका हार्ट होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, है ना, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। चलिए बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई, 13 बिल्कुल, कॉकरोच वाला आंसर बिल्कुल धमाकेदार भाई। बताइए इनेमल किससे मिलकर बना होता है, इनेमल किससे मिलकर बना होता है, यहां सल्फेट कर दो भाई, फॉस्फेट 2 जगह हो गया, यहां सल्फेट कर दो, क्या कर दो भाई, यहां सल्फेट कर दीजिए, अब बताइए भाई इनेमल, आप सभी को पता है हमारे शरीर का, मानव शरीर का
सबसे कठोर भाग होता है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है आपका इनेमल, जो कि किससे मिलकर बना होता है, यह बना होता है साथियों कैल्शियम सल्फेट से। किससे मिलकर बना होता है जरा बताना भाई, एनामल किससे बना होता है भाई, कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम सल्फेट से, किससे, कैल्शियम सल्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे कठोर भाग होता है दांतों में पाया जाता है आपका इनेमल, है ना। दांतों का जो ऊपरी हिस्सा होता है, अगर आप दांत इस तरीके से आप ड्रॉ कर रहे हैं भाई, तो दांतों का जो ऊपरी हिस्सा होता है ये इनेमल होता है, याद रखिएगा ये क्या होता है आपका इनेमल होता है भाई, इनेमल होता है। चलिए भाई आगे चलते हैं, मधुमेह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बाय वॉट अदर नेम इज डायबिटीज नोन, डायबिटीज जो होता है मधुमेह वो और किस नाम से जाना जाता है जरा बताइए भाई, डायबिटीज आपको बताना है, डायबिटीज, है ना। डायबिटीज में क्या होता है आप सभी को पता है, अगर आपने 10 मिलीग्राम क्या खाया है, शुगर खाई है, और बॉडी को केवल 5 मिलीग्राम शुगर की जरूरत है, और कितना एक्सेस है 5 मिलीग्राम क्या हो गया है, शुगर ज्यादा हो गया है। अगर ये 5 मिलीग्राम शुगर ज्यादा ये ब्लड में चला जाए, ये ब्लड में अगर चला जाए, 10 मिलीग्राम आपकी शुगर क्या है आपने खाई, बॉडी को केवल 5 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा आपका प्लस 5 मिलीग्राम एक्सेस क्वांटिटी में है, ज्यादा मात्रा में है, ये अगर ब्लड में चला जाए तो क्या हो, शुगर बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना है जब आपका इंसुलिन इंसुलिन कम हो जाए और आपका ग्लूकोज जिसे हम शुगर के नाम से भी जानते हैं ये ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज। और डायबिटीज का एक अन्य नाम क्या है, डायबिटीज मेलाइट्स, डायबिटीज मेलाइट्स, डायबिटीज मेलाइट्स इसका एक अन्य नाम है। तो डायबिटीज मेलाइट्स में क्या होता है, इंसुलिन कम और ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, समझ गए ना। तो ग्लूकोज या शुगर ज्यादा होने से बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसके उल्टे डायबिटीज इंसिपिडिश में ये लो शुगर की प्रॉब्लम होती है, और डायबिटीज मेलाइट्स होता है आपका हाई शुगर, है ना। लो शुगर में क्या होता है, लो शुगर में आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज कम इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा, लो शुगर की प्रॉब्लम में इंसुलिन क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज क्या होगा साथियों आपका कम हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों आपको यहां पर एक चीज और बता दूं, ये जो आपका क्या है इंसुलिन है इसकी खोज किसने की, मैं आपको यहां पर बता दूं इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की साथियों, आपको पता होना चाहिए बेंटिंग और बेस्ट ने, बेंटिंग और बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की क्या की, खोज की। ये एक हार्मोन है जो कि याद रखिएगा आपके अग्नाशय की आप कह सकते हैं बीटा सेल्स से निकलता है, पेनक्रियास की बीटा सेल से आपका निकलता है, ठीक है भाई। चलिए तो आई होप यहां तक मामला समझ में आ रहा है तुम्हें, आगे चलते हैं भाई। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियास, पैनक्रियास या अग्नाशय से स्रावित होने वाला आपका एंजाइम बताना है भाई सब। और एक बार मेरे प्यारे साथियों सेशन को उठाकर शेयर कर दो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, एक बार शेयर कर दो भाई, चलिए चलिए भाई एक बार, भाई एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई फुर्ती के साथ, और फटाफट बताओ भाई अग्नाशय से स्रावित होता है निकलने वाला, तो मैं आपको सारे के सारे बता देता हूं, एक क्यों सीखो भाई सारे सीखो। पेनक्रियास, मैंने यहां पर अग्नाशय लिख दिया भाई सब, ये लो भैया ये अग्नाशय है, आपको पता होना चाहिए अग्नाशय, याद रखिएगा सबसे पहले तो इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है, क्योंकि एंजाइम हार्मोन दोनों निकालती है, इससे निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला दूसरा और तीसरा, इससे सबसे पहला एंजाइम निकलता है आपको पता होना चाहिए ट्रिप्सिन, दूसरा निकलता है एमाइलेस, और तीसरा निकलता है लाइपेस, तो तीन एंजाइम निकलते हैं ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेस, कहां से
आपके पैनक्रियास से अग्नाशय से। ये क्या करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये प्रोटीन्स को बदलता है आपके पेप्टोन्स में प्लस एमाइनो एसिड में। एमाइलेस क्या करता है, स्टार्च को शुगर में बदलता है, और लाइपेज याद रखना है आपका फैट का क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। तो यहां पर क्या है आपके याद रखिएगा, तीन चीजें हैं भाई साहब, ट्रिप्सिन क्या करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स और एमाइनो एसिड में, एमाइलेज स्टार्च को शुगर में, और साथियों लाइपेज क्या करता है फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। मामला समझ में आ रहा है क्या, बहुत अच्छे से। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए भाई। लो भाई अगला क्वेश्चन, पेराइटल कोशिकाओं से किसका स्रावण होता है, बताइए मेरे प्यारे साथियों, पेराइटल कोशिकाओं से किसका स्रावण होता है भाई, पेराइटल कोशिकाओं की मैं बात कर रहा हूं भाई, पेराइटल कोशिकाएं उससे किसका स्रावण होगा। साथियों याद रखिएगा, पेराइटल कोशिकाएं इन्हें ही ऑक्सेंटिक कोशिकाएं भी कहते हैं, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं भी इन्हें ही कहते हैं, इन्हें ही पेराइटल कोशिकाएं कहते हैं, इन्हें ही चीफ कोशिकाएं कहते हैं। ये कहां पाई जाती है, ये तुम्हारा स्टमक है, ये याद रखिएगा तुम्हारा स्टमक है, ये तुम्हारा आमाशय है। इस आमाशय में आपको बता दूं ऑक्सेंटिक सेल्स या क्या पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, चीफ सेल्स पाई जाती है। तो याद रखना इस आमाशय के अंदर से ही क्या होता है, ये कोशिकाएं एचसीएल का स्त्रावण करती हैं, एचसीएल का सीक्रीशन करती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो नोट डाउन कीजिएगा भाई, ये करती है एचसीएल का स्त्रावण, ये करती है बेटा एचसीएल का स्त्रावण, ये करती है तुम्हारे एचसीएल का स्त्रावण। लो भाई आंसर हो जाएगा HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण कहां से होगा, आपके स्टमक में होगा, है ना। और ये भाई साहब डाइजेशन ऑफ फूड में क्या करेगा, हेल्प करेगा मेरे प्यारे साथियों, हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जठर रस के स्रावण को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, क्या होमवर्क में लेना चाहोगे या आंसर बता दूं, मुझे लग रहा है कि इसे करा ही देना चाहिए भाई, नहीं तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, तुम कर ना पाओ। जठर रस के स्रावण को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, जरा बताओ, विच हार्मोन कंट्रोल्स द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। देखो आप सभी को पता है ये आपका क्या है, स्टमक है, ये आपका स्टमक है, ये आपका आमाशय है, यहां से क्या निकलता है सर, इस आमाशय से आपको पता होना चाहिए समय समय पर जठर रस निकलता है, समय समय पर जठर रस निकलता है, समय समय पर गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो जब खाना आए तुरंत गैस्ट्रिक जूस निकले, इसके लिए गैस्ट्रिक जूस को निकलने के लिए एक्साइट कौन करता है, बेसिकली जो जठर रस निकलता है वो जो निकलता है जठर ग्रंथि से, जिसे आप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं, जठर ग्रंथि भी कहते हैं। तो जो जठर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, जठर ग्रंथि है, वहां से जठर रस आपका निकल रहा है। अब ये समय पर निकले इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, नोट डाउन कीजिएगा, आपका गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, आपका टाइम टू टाइम क्या निकले, आपका जठर रस निकले, इसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है भाई, है ना। अलग सा हार्मोन है भाई, तुमने पढ़ा नहीं होगा, इसके पहले तुमने पढ़ा नहीं होगा भाई, तो नोट डाउन कीजिएगा, आपका गैस्ट्रिन हार्मोन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहां पर पैनक्रियोजाइमिन और क्या लिखा हुआ, सीक्रेटिन। पैनक्रियोजाइमिन और जो सीक्रेटिन लिखा हुआ है, आपको मैं बता दूं, ये दोनों हार्मोन है, ये दोनों जो हार्मोन है ये अग्नाशय रस जिसे आप कहते हैं पैनक्रियाटिक, ये अग्नाशय रस या पैनक्रियाटिक जूस को निकलवाने में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और एंटीरोक्रिन क्या करता है, याद रखिएगा, ये आपका आंत्रीय रस,
आंत्रीय रस, ये आपका इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस मतलब जो आपका क्या है आंत्रीय रस है उसको निकलवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, चलिए तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन अगर पसंद आया हो इसे लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस हमने यहां पर कवर किए और अब आपके प्यारे रोहित सर आ रहे हैं एक बेहतरीन सेशन लेके। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप फटाफट जाकर उनकी क्लास से जुड़ेंगे। बहुत धमाकेदार स्टैटिक जीके जीएस पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, और जरूर जाकर क्लास को अटेंड करें और कमेंट बहुत अच्छे अच्छे छोड़ा करो भाई सब, कमेंट भाई सब कमेंट है ना, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और मेहनत करते हैं भाई, है ना। तो जो निकले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।